इंक्वायरी इंक्वायरी इंक्वायरी। दो दो पुलिस वालों का खून हो गया है और अभी तक तुम लोग झक पा रहे हो। सर कोई भी चश्मदीद गवाह सामने शट अप। अब इस केस की इंक्वायरी इंस्पेक्टर अंबर करेगा। नाम बोल तेल लगा के। कृष्णा। बाप का नाम बोल। मालूम नहीं। मालूम नहीं बाप का नाम मालूम नहीं, इसका मतलब साले तू हरामी है, हरामी। तू किसी रंडी की औलाद है। तेरी ये हिम्मत पुलिस स्टेशन में पुलिस अफसर पर हाथ उठाता है। इसने अपुन को गाली दी है, अपुन इसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। जान लेगा तू, जान लेगा। जान तो तूने पहले भी तो पुलिस वालों के लिए है। क्या सबूत है तेरे पास? सबूत? तेरे गुनाह कबूल करवाने के लिए मुझे इस पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। सपने देखना छोड़ दे इंस्पेक्टर, सपने हकीकत में बदल दूंगा। सिर्फ तू ही नहीं, तेरा रोम रोम ये कबूल करेगा कि सारे कत्ल तूने ही किया है। अबे जा। Well done. सर, आप यहाँ? हम जानते थे इस खतरनाक मुजरिम को सिर्फ तुम ही पकड़ सकते हो। हमें फख्र है कि हम तुम जैसे बेटे के बाप हैं। I'm proud of you. कृष्णा की माँ ने मुझे बताया कि तुम इसे कितनी बेरहमी से यहाँ घसीट कर लाए हो। अगर दूसरा ये जुल्म करता तो वो मुजरिम कहलाता, मगर तुमने ये किया है तो ये तुम्हारा कानून है। क्यों ना हो, कानून वाले जो तुम ठहरे। मतलब की बात करो। मैं कृष्णा को जमानत पर ले जाने आया हूँ। लीजिए सर, शहर का सबसे बड़ा गुंडा दूसरे गुंडे को जमानत पर ले जाने आया है। ये आपकी जुबान है इंस्पेक्टर, हमारी जबान में तो शहर का एक जिम्मेदार आदमी दूसरे जिम्मेदार आदमी को गुंडों के इस अड्डे से बचाने आया है। सच पूछो तो गुंडे और गुंडागर्दी यहीं से जन्म लेते हैं, जिसे आप पुलिस स्टेशन कहते हैं। क्या बकते हो तुम? हम समाज को बचाने के लिए नजायज शराब के धंधे और जुए खाने बंद करवाते हैं, और पुलिस वाले हफ्ता खाकर उन्हें शहर में जहर फैलाने की इजाजत देते हैं, तो कौन है गुंडा? बहुत ज्यादा बोल रहे हो तुम। हम दूसरों की माँ बहनों की इज्जत पर कुर्बान हो जाते हैं और कानून वाले कोठे वालियों की दलाली खाते हैं, तो फिर कौन है गुंडा? खामोश! अपनी जबान को लगाम दो। इसके आगे एक लफ्ज भी निकाला तो अलग से जबान खींच लूंगा। हमारे इस सामने हमारी वर्दी, हमारी ईमानदारी, हमारे फर्ज पर कीचड़ छा रहे। समुंदर में मुट्ठी भर शक्कर डालने से उसका नमक कम नहीं हो जाता कमिश्नर साहब। तुम भी जा सकते हो। तुम्हारी जमानत पर कृष्णा को हर किस नहीं छोड़ा जाएगा। सिपाही जब मैदान जंग में उतरता है तो अपना हथियार लाना नहीं भूलता। वकील साहब, दिखा दीजिए इन्हें। कोर्ट ने कृष्णा की जमानत मंजूर कर ली है। हवलदार, छोड़ दो उसे। नाम मालूम नहीं, इसका मतलब साले तू हरामी है, हरामी। बाप का नाम मालूम नहीं,
इसका मतलब तू हरामी है, हरामी। मेरा बाप कौन है? ये तुझे क्या हो गया कृष्णा? कौन है मेरा बाप? ये कैसी बातें? कौन है मेरा बाप? आज तक तो तू बहाने बनाती रही, लेकिन आज तुझे बताना होगा कि कौन है मेरा बाप, वरना 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 मैं अपनी जान ले लूंगा। कृष्णा, नहीं नहीं कृष्णा, नहीं, मैं कैसे बताऊं कौन है तेरा बाप? मैं तो तुझे जन्म देने वाली तेरी माँ को भी नहीं जानती। पता नहीं वो कौन पत्थर दिल औरत थी जिसने तुझे जन्म देते ही लावारिस की तरह छोड़ दिया। तो तू मेरी माँ नहीं है? तो क्या हुआ मैंने तुझे जन्म नहीं दिया? मैंने तुझे पाला तो है, ये राज मैंने आज तक इसी डर से छुपाए रखा कि कहीं तेरे मेरे बीच दूरी ना पैदा हो जाए, क्योंकि मैं तेरे बगैर नहीं जी सकती, नहीं जी सकती। कृष्णा, कृष्णा, तुझे जमानत पर पुलिस स्टेशन ने आजाद किया है, मेरे दिल और दिमाग में नहीं। कोशिश कर कि बार बार तेरा मेरा सामना न हो, वरना लोग कहेंगे कि पुलिस वाले का कातिल पुलिस एनकाउंटर में कुत्ते की मौत मारा गया। इस साथ में भी कम जान नहीं है इंस्पेक्टर, एनकाउंटर में पुलिस वाला भी तो कुत्ते की मौत मर सकता है। क्यों? अरे जा इंस्पेक्टर जा, तूने तो अपन पर हाथ ही उठाया है। अगर इतने पुलिस वाले अपन के पीछे होते ना, तो मैं तुझको इस दुनिया से उठा डालता। जब तक हम में से किसी एक की मौत ना हो जाए, कोई बीच में नहीं आएगा। और अगर मौत मेरी हुई तो मेरी मौत का इल्जाम इसके सर नहीं आएगा। दिस इज माई ऑर्डर। अब देखना यह है कि कौन किसे दुनिया से उठाता है। नहीं, छोड़ दे माँ, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। अरे तू क्या मुझे मारेगा? मैं आज तेरी यहाँ लाश गिरा के जाऊंगा। हट जा माँ, देखता हूँ आज कौन किसकी लाश गिराता है। अमर, तुझे मेरी कसम है। जरा सोच बेटा, अगर इससे कुछ हो गया तो इस माँ का कलेजा छलनी हो जाएगा, और अगर तुझे कुछ हो गया तो तेरी माँ का। अपन की माँ के बारे में बात मत कीजिए माँ जी। अरे उसका कलेजा तो छलनी तब नहीं हुआ जब वो अपन को जन्म देते लोगों की ठोकरों में पलने के लिए छोड़ के चली गई। अपन को इस माँ के नाम से भी नफरत है। कृष्णा, चल माँ। समझ गया बाबा, मम्मी पापा से मिलना कल सुबह, प्रॉमिस। कांता, जरा फाइल तो उठा वहां से। क्या कर रही तुम? कौन जी? मैं सपना। देखो, तुम कोई भी सपना क्यों ना हो, हम किसी भी केस के सिलसिले में घर में मुलाकात नहीं करते, अंडरस्टैंड? लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। मैं सपना, हम तुम्हारी कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। तुम्हें जो कुछ भी कहना तुम ऑफिस में आकर कहो। नहीं, मुझे घर। नहीं, क्या कहाँ? कांता। हाँ अमर बेटे, बोलो। माँ, सपना वहाँ आ चुकी होगी। मैंने उसे आप लोगों से मिलाने के लिए बुलाया था, लेकिन मेरा आना बहुत मुश्किल है माँ। जी जी, आप मेरी बात तो सुनिए अंकल। मैं अंकल पाँव नहीं छू दिए तो अंकल के दिल में घुसना चाहती है। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ लड़की। ये नहीं जाएगी। माँ जी नमस्ते। माँ जी, मुझे अंकल तुम्हें माँ जी, ये रिश्ते पर रिश्ते बनाई जा रही है। मैंने इसको बोल दिया है कांता कि मैं घर में कोई फैसला कर। अरे अरे संभालिए। क्या? कोई नहीं अजी, इस केस का तो फैसला भी हो चुका है। हो चुका है फैसला?
ये हमारी होने वाली बहू है सपना। नमस्ते। क्या बहू, तुम इतनी 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 देर से अंट शंट बके बके जा रही हो, तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं कि तुम मेरी होने वाली? अजी आप इसे बोलने का मौका दे तब बोले ना बेचारी। अच्छा, हाँ हाँ, सौभाग्यवती भवा।